बीतक के अंदर कई प्रसंग आते हैं जो कुरान से संबंधित हैं। कुछ जैसे अभी कल आप सुन रहे थे कि रामनगर में प्राणनाथ जी को सुंदर साथ ने घोड़े के ऊपर बैठाया, तो जिस घोड़े के ऊपर बैठाया उस घोड़े का नाम समद था। समद का मतलब होता है महिमावान या बुजुर्ग। जैसे दिल्ली का प्रसंग आता है तो दिल्ली के प्रसंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं। औरंगज़ेब के काजियों से वाद विवाद होता है, तो मुख्य जो वाद विवाद होता है एक चौपाई है बीतक के अंदर जो कुरान का 30वां पारा है, उसका सूरह कद्र है। सूरह कद्र के अंदर जो लिखा गया है उसके बारे में मौलवियों में और लालदास जी में विवाद होता है। तो उसका अर्थ क्या है, बिना तारतम के कोई भी मौलवी मलायक और रूह का फ़र्क नहीं बता सकता। वो मलायक यानी कि फरिश्ते को भी रूह में गिनते हैं, जबकि रूह परमधाम में रहती है और मलायक यानी कि फरिश्ता जो है वो अक्षरधाम में रहते हैं। अक्षरधाम में रहने वाले को फरिश्ते कहा जाता है और परमधाम में रहने वाले को रूह कहा जाता है। और रूह का बहुवचन अरवाह है, तो अरवाह को एक वचन में रूह कहा जाता है और बहुवचन में उसको अरवाह कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे बहुत सी रूहें हों तो उसको अरबी भाषा में अरवाह कहा जाता है, और जो एक हो उसको रूह कहा जाता है। तो एक बात तो ये है कि बिना तारतम ज्ञान के किसी भी विद्वान के द्वारा, चाहे कोई इस्लामी कितना भी बड़ा विद्वान है, तो वो व्याकरण के आधार पे अर्थ तो कर सकता है लेकिन वो अर्थ नहीं होता, अनर्थ होता है। क्योंकि किसी भी ग्रंथ का जो रहस्य होता है उसका जो सार होता है वो तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम उसका सार गर्भित ज्ञान प्राप्त ना करें। तो जैसे मेन विषय है कि रूह और मलायक का फ़र्क नहीं मालूम है, इसी तरह से मेराज का वर्णन आता है कि मेराज के वर्णन में वास्तव में मोहम्मद साहब ने क्या देखा और यहाँ संसार में उन्होंने कैसे बताया। तो उन्होंने कसम खा के कहा कि मेरे बाद 1000 साल के बाद क़यामत आएगी। 28वें पारे में 22वीं सूरत सूरह हज में 47 नंबर आयत में लिखा हुआ है कि मेरा जो एक दिन का वायदा है कि तुमसे एक दिन का वायदा है वो निश्चित पूरा होगा, यानी कि निश्चय ही वो पूरा होगा। अब दूसरी जगह फिर 17वें पारे में 22वीं सूरत में और 35 और 36वीं आयत में लिखा है कि वो जो वायदा किया था वो तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल है। यानी कि जो संसारिक जो गिनना है, जो संसारी गणना है, वो 1000 साल के बराबर है। दूसरी बात आती है, एक वर्णन आता है 17वें पारे में ही सूरे बनी इसराइल में कि मोहम्मद साहब ने अल्लाह का दीदार किया जो दो कमान के फासले पे थे। जैसे धनुष के दो कोने होते हैं, एक कोना होता है जिस पर एक तरफ प्रत्यंचा यानी कि धागा चढ़ा होता है, एक दूसरे कोने पे धागा चढ़ा होता है। तो कुरान कहता है कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों ऐसे थे जैसे धनुष के दो कोने। धनुष तो पता है ना सबको, धनुष के दो कोने होते हैं ना जिसपे प्रत्यंचा चढ़ाया जाता है। तो एक कोने पे मोहम्मद साहब थे, दूसरे कोने पे अल्लाह ताला यानी कि राजी थे। तो वो दो कमान का फासला कहा है। अब दो कमान का फासला, किसी ने पूछा कि वो क्या है, तो उसको हदीस में उन्होंने बताया कि वो एक कमान का मतलब 500 साल और दूसरी कमान का मतलब 1000 साल। यानी कि दो कमान का मतलब, एक कमान कहते हैं 500 साल को और दो कमान का मतलब हो गया 1000 साल। तो दोनों के दरमियान 1000 साल का फासला है। तो वही मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं फरदा रोज़ यानी कि क़यामत का वायदा कल के दिन का करता हूँ। तो फरदा रोज़ फारसी का शब्द है, कुरान का शब्द नहीं है। ये जो वाणी में जो शब्द आया है फरदा रोज़, ये कुरान का शब्द नहीं है, ये तफसीर हुसैनी का शब्द है, ये फारसी शब्द है।
तो वहाँ जो 1000 साल के लिए लिखा है वह वास्तव में 1000 साल की गणना कब से होती है, जब मोहम्मद साहब अंतर्ध्यान हुए, उनके अंतर्ध्यान होने से 1000 साल तक जो समय होता है उसको कहते हैं कल का दिन, तो उसी को 1000 साल कहा गया है। तो जब वो समय शुरू होता है, अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, आप अगर चाहें कि भाई सारे मुसलमान आपकी बातों को मान लें तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए पहले यहूदी धर्म था, यहूदी धर्म के प्रवर्तक मूसा थे। अब कुरान में 124,000 पैगंबरों का जो वर्णन आया है उसमें से मुख्यतः कुरान के अंदर 25 से लेकर 28 या 29 पैगंबरों का ही वर्णन है, बाकी लोगों का नहीं है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मूसा पैगंबर का वर्णन है। तो मूसा पैगंबर कहा जाता है जो यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि यहूदी धर्म को चलाने वाले थे। तो यहूदी धर्म के बाद ईसाई धर्म आया, तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे या ईसा रूह अल्लाह थे। उनके बाद मोहम्मद साहब आए और मोहम्मद साहब जो है वो कुरान लेके आए, ईसा जो है इंजील लेके आया और मूसा जो है तौरात लेके आया। तो यहूदियों ने जब एक धर्म की स्थापना की मूसा पैगंबर ने, तो मूसा पैगंबर जिस समाज से निकल के आए थे उस समाज को उन्होंने एक नया नाम दिया यहूदी। और यहूदियों में से फिर जब ईसाई निकले, तो जब ईसा मसीह आए या ईसा रूह अल्लाह आए, तो उन्होंने मोहम्मद साहब के बाद से नहीं, उसके पहले की जो घटनाएं हुई, जो प्रवचन कहे गए ईसा मसीह के द्वारा, तो उन्होंने अपना जो द्वंद्व था यहूदियों का और ईसाइयों का, तो कभी भी ईसाइयों ने यहूदी मत की महिमा मंडन नहीं किया, यानी कि ईसाइयों ने कभी भी यहूदियों को नहीं माना। फिर जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने यहूदी और ईसाई दोनों मतों का खंडन किया। हिंदू धर्म के अंदर जितने भी दर्शन हैं या शास्त्र हैं, हिंदू व्यक्ति सभी धर्म ग्रंथों का अवलोकन कर लेता है, लेकिन एक ईसाई या एक मुस्लिम या एक यहूदी वो अपने धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्म का ग्रंथ का अध्ययन करते हुए सकुचाता है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भय रहता है कि अगर मैं उस धर्म से प्रभावित हो गया तो कहीं मेरा धर्म मुझसे ना छूट जाए, तो ये उनकी संकीर्णता है। तो मोहम्मद साहब ने इंजील यानी कि बाइबल जिसको आज कहा जाता है, जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसके लिखने वाले उसका अनुवाद वर्णन करते हैं। जैसे तौरात जो ग्रंथ है वो हिब्रू जबान में है, जो आज इसराइल की भाषा है, और जो अंजील था वो भी अरब की हिब्रू जबान में हुआ, और कुरान जो है वो अरबी जबान में आया। तो आज जो हमें ग्रंथ मिल रहे हैं हिंदी में जो मिल रहे हैं उनका अनुवाद मिल रहा है, तो अनुवाद के अंदर वो भाषा की समरसता या उसका वास्तविक संदेश उसमें नहीं आ पाता, क्योंकि अनुवाद करने वाला अपनी मन बुद्धि के द्वारा ही उसका अनुवाद करता है, तो इसलिए उसका पूरा भाव उस ग्रंथ के अंदर नहीं आ पाता। अब जैसे मुसलमान आयत पढ़ते हैं तनज्जुल मलाइक तू वे रूहू, लालदास जी का और शेखुल इस्लाम का इस आयत के ऊपर विवाद हुआ, वो क्या पढ़ते हैं तनज्जुल मलाइक तू वे रूहू। अब जहाँ वैच में वे शब्द आ गया, वे का अर्थ होता है और, जैसे हिंदी में और कहा जाता है उसको अरबी या उर्दू या फारसी भाषा में वा कहा जाता है, वा का मतलब होता है दोनों को अलग अलग कर देना, मलाइक तू वे रूहू। अब वो कैसे पढ़ते हैं तनज्जुल मलाइक तू व रूहू, मलाइक के साथ वह पढ़ दिया और रूह अलग कर दिया, जबकि क्या है मलाइक तू व रूहू, यानी कि मलाइक अलग हुआ और रूह अलग हुआ, दोनों का फर्क पता लग गया। ये तारतम के बिना आपको ज्ञात नहीं होगा, बिना तारतम के इसका अंतर आपको पता नहीं चलेगा कि मलाइक के मायने फरिश्ते हैं और रूह के मायने आत्मा के हैं। इसी तरह जैसे 101 नंबर आयत से लेके 105 नंबर आयत तक है सूरह बकर की, अब उसके अंदर
कई आयतें हैं, जैसे एक आयत है इज्जतु व जिल्लतु मंतशाऊ, कि इज्जत और जिल्लत देने वाला रब है, यानी कि राज्य जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं। इज्जत का मतलब मान, कि राज्य जिसको चाहते हैं मान देते हैं और जिसको चाहते हैं अपमान देते हैं। जिसको वो अपमानित करते हैं उसको कोई मान नहीं दे सकता, और जिसको वो मान देते हैं उसको कोई अपमानित नहीं कर सकता। अब जैसे कुरान के अंदर प्रसंग आता है फिरौन का, फिरौन को इतनी लानत लगी कि जब उसको मरने के बाद दफनाया गया तो मिट्टी ने भी उसको निकलने से इनकार कर दिया कि मुझे इसमें मत दफनाओ। पानी में उसको डाला गया तो पानी ने भी उसको निकाल दिया, आग में डाला गया तो आग ने भी निकाल दिया। तो वो इतना लानती इंसान था। उस फिरौन की कल्पना या उसका समानता या उसका मिलान जो है कुरान के अंदर औरंगजेब से किया गया है। अब हम तो कहते हैं कि भाई औरंगजेब परमधाम की ब्रह्म आत्मा थे, शाह कुमार की आत्मा उसके अंदर थी, लेकिन फिरौन जो है इतना लानती था कि मरने के हजारों साल बाद भी आज तक उसका शरीर गला नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो पांच भूत जो तत्व हैं वो भी उसको लेने से इनकार करते हैं। जो व्यक्ति खुद परमात्मा होने का दावा करता था, आज भी वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसकी लाश पड़ी हुई है, जो लेप लगा के पुराने समय मिस्र में रखे जाती थे ना, मिस्र के अंदर रिवायत थी, परंपरा थी कि वहाँ मरने के बाद जो राजा था उसको लेप लगा के उसका स्टैचू बना के स्पूत के अंदर उसको रख दिया जाता था, जिससे वो हजारों साल तक, उसको मम्मी कहा जाता है कि वो मम्मी जो है ख़राब नहीं होती थी। तो आज भी उसका शरीर ऐसे ही गला सला पड़ा है। तो उसकी जो मिलान किया जाता है वो औरंगजेब से किया जाता है, और इन दोनों का मिलान इबलीस से किया जाता है। जैसे इबलीस को अल्लाह का हुक्म न मानने की वजह से जन्नत से निकलना पड़ा। इबलीस का मतलब शैतान, जिसको आम भालचाल की भाषा में नारद भी कह दिया जाता है। तो उसको शैतान को जब राजी ने कहा कि भाई आदम को मैंने बनाया है और वो मेरे ही नूर के एक जहूर से बना है। नूर का जहूर क्या होता है? नूर जहाँ होता है वहाँ जहूर से ही उसका पता लगता है। जहूर का मतलब उसका प्रकाश। अब जैसे बाहर धूप निकल रही है, तो धूप निकल रही है तो इसका पता चलता है ना कि सूरज निकला हुआ है। अब सूरज जो निकली है तो उसका एहसास किससे हो रहा है? धूप से। अब सूरज यहाँ पृथ्वी पे नहीं आ रहा है, यहाँ पृथ्वी पे उसकी किरणें आ रही हैं, तो उसको कहा जाता है कि सूरज की किरणें संसार को प्रकाशित कर रही हैं। ऐसे ही नूर का जहूर होता है। नूर स्वयं यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि कंकरी 14 तबक की उड़ावे अर्श का एक कण, कि अगर परम धाम का एक कण भी संसार के ऊपर गिर जाता है तो ये संसार करोड़ों बार नष्ट हो जाएगा, उसमें इतनी शक्ति होती है। तो कहने का भाव क्या है कि इबलीस ने जब परमात्मा के यानी कि राज्जी के हुक्म को नहीं माना तो उसको जन्नत से निकलना पड़ा। जब उसको जन्नत से यानी कि निकलना पड़ा तो उसने कसम खाई कि जैसे मुझे इस जन्नत में रहने नहीं दिया गया तो मैं भी ये कसम खाता हूँ कि मैंने इतनी आपकी इबादत की है यानी कि इतनी आपकी भक्ति की है तो मुझे भी इसका बदला मिले। तो परब्रह्म ने कहा कि भाई मांगो, क्या मांगते हो? कहते कि जो आपने आदम बनाया है, आदम यानी कि आदमी, इस आदमी की जो नस्लें होंगी यानी कि जो संतानें होंगी उसके अंदर भी मेरा हुक्म चले। तो जैसे उसके अंदर खून रवानगी दौड़ता है यानी कि खून दौड़ता है, इंसान के अंदर क्या चीज़ होती हैं? पांच तत्व जो कहे जाते हैं वो इंसान के शरीर के अंदर ही होते हैं, जिसमें एक तत्व कहा जाता है जल। तो जैसे शरीर के अंदर जो रक्त दौड़ता है तो वो जल का काम करता है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर का 3/4 हिस्सा जो है जल से बना हुआ है। अब ये जो शरीर के ऊपर जो खाल जो चढ़ी हुई है ये मिट्टी की है, तो इसी को मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी से ही ये बना और मिट्टी में ही मिल जाता है।
अग्नि जिसको हम पचाते हैं वो आग है, जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने का जो काम करती है जठराग्नि, उसको आग कहा जाता है। तो ये पांच भूत जो संसार के रचना का कारण है वो इंसान के शरीर में है। तो उसने कहा कि इसके अंदर मेरा हुक्म चले, तो परमात्मा ने कहा, राज्य ने उसको हुक्म दिया कि ठीक है, जहाँ तक तुम चाहोगे तुम्हारा हुक्म चलेगा, लेकिन जो मेरे मोमिन होंगे उस पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा, क्योंकि उनके दिल पर मेरी मूरत है, यानी कि मेरी सूरत है। तो जो ब्रह्मात्माएँ हैं उनके दिल में राज्य की सूरत है, चौपाई है ना, के ऊपर तले ना कहा अर्श कहा मोमिन कलूब। कलूब के मायने क्या होते हैं, दिल, जिसको हृदय कहा जाता है। इसी को कुरान कहता है कल्बे मोमिन अर्श अल्लाह, कि अल्लाह का घर कहाँ है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं है, जो मोमिन है उसका दिल ही उसका अर्श है। इसी को फारसी में कहा जाता है कल्बे मोमिन अर्श मनस्त, कि मोमिन का जो कल्ब है यानी कि हृदय है, वो मोमिनों का जो हृदय होता है उसके दिल में राज्य की सूरत है। अब एक होता है कल्ब, कल्ब के मायने होते हैं दिल। अब चौपाई में क्या लिखा है, कलूब, कलूब का मतलब होता है बहुवचन है, यानी कि प्रूरल है। कल्ब के मायने एक दिल और कलूब के मायने बहुत से दिल। अब एक ब्रह्म मुनि के अंदर राज्य की सूरत है। अब एक ब्रह्म मुनि को तो चितवन में राज्य दर्शन देते हैं, बाकियों को नहीं देखता है। तो क्या होता है कि एक राज्य जो ब्रह्म मुनि जो होता है जिसके द्वारा लीला की जाती है उसके अंदर तो राज्य की साक्षात मूर्त कही जाती है, बाकी जिस जिस ब्रह्म मुनियों की निस्बत उस तन से जुड़ी है तो उनके अंदर उसका अक्ष होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर तले ना कहा अर्श कहा मोमिन कलूब, कि अगर हम ध्यान में ऊपर नीचे दाएं बाएं लगाकर देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, अगर हम अपने दिल में ध्यान करेंगे या चितवन करेंगे तभी हमारी चितवन लगेगी और हमें राज्य का साक्षात्कार होगा। तो कहने का तात्पर्य या भाव क्या है कि जो कल्ब होता है और कलूब होता है दोनों में अंतर होता है। कल्ब के मायने एक दिल और कलूब के मायने अनेकों दिल। तो यहाँ पर कलूब कहा है, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि कल्ब कहा अर्श दिल, यानी कि मोमिन के दिल को कल्ब कहा है। यहाँ पे क्या है, अर्श कहा मोमिन कलूब, एक मोमिन के दिल को अर्श कहा है और बाकियों के दिल को उसकी प्रतिमूर्ति कहा है। अब जैसे भी कोई ब्रह्म मुनि होता है या जो भी कोई प्रवचन करने वाले जो विद्वान होते हैं या जो भी जागनी लीला करते हैं तो उस तन के द्वारा जो जागनी लीला होती है और बाकी जो ब्रह्म मुनि होते हैं उनकी निस्बत उनसे जुड़े होने के कारण उनको कहा जाता है कि इनकी निस्बत उससे जुड़ी है, तो ये कलूब की लीला है, यानी कि वास्तव में उनके अंदर भी राज्य का ही अंश दिखाई देता है, लेकिन तब जब वो क्या कहते हैं, जैसे चौपाई में गाते ना, जब एक सखी दूजी को अचरा पकड़ सिखाओ सी, तो अचरा पकड़ का मतलब क्या है कि जो एक व्यक्ति परमात्मा यानी कि परब्रह्म राज्य का साक्षात्कार कर लेता है तो वो दूसरे को उसका तरीका बताता है। अब इसमें ये तो नहीं लिखा है कि जिसको एक को जो है राज्य का साक्षात्कार हो गया तो वो दूसरे को कहे कि मैं तेरा गुरु हूँ तू मेरा चेले हैं, तो गुरु चेले की यहाँ बात ही नहीं है। प्राणनाथ जी ने जो लोगों को संदेश दिया वो गुरु चेले का संदेश नहीं दिया, उन्होंने सबको कहा कि सब साथ करूँ मैं आप साथ तो मैं जागी परवान, कि जो मेरे अंदर है वो बाकी के अंदर भी हो तो ही मुझे आप समझना कि मैं परब्रह्म हूँ, अन्यथा ना समझना। तो ये अरबी के जो शब्द हैं या फारसी के जो शब्द हैं इनका वास्तविक उद्देश्य या वास्तविक अर्थ ना जानने की वजह से कई प्रचारक या विद्वान जो हैं अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं। अब जैसे ये चौपाई आती है कि हजरते हज इत करी, अब हजरत का मतलब क्या है, हजरत का मतलब होता है श्रीमान, तो उन्होंने हज किया यानी कि हिजरत की, हिजरत के मायने क्या होते हैं पलायन के। तो ये घटना क्या है, हजरते हजरत इत करी यानी कि यहाँ पे की, हजरत यानी कि जो मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना को पलायन किया उसको हिजरत कहा जाता है। अब जब प्राणनाथ जी ने जामनगर को छोड़ के सूरत के अंदर आए तो उनको भी हिजरत कहा गया, कि वो जामनगर छोड़ के कहाँ आए, सूरत में आए,
और फिर सूरत के बाद लास्ट में कहाँ पहुँचे, पन्ना में। तो पन्ना में जो ऊपर गुम्मट जी के लिखा हुआ है, जहाँ दो लाइनें तारतम की लिखी हैं, तीसरी लाइन में क्या लिखा है फारसी में, ब्रज रास जागनी और लीला नौतनपुरी भी है परना माहे। तो पन्ना का पुराना नाम क्या था, परना था। तो उसमें क्या है कि ब्रज रास और जागनी और नौतनपुरी लीला भी है परना माहे, यानी कि ये तीनों लीलाएं और जागनी की जो नौतनपुरी की लीला है वो भी कहाँ है, इस समय पन्ना जी में स्थित है। तो जो भी चौपाई कही जाती है वास्तव में उसका अर्थ क्या होता है। अब जैसे मेराज का वर्णन आता है, शबे मेराज का वर्णन जो आता है, तो मेराज के अंदर जो मुख्य संदेश है वो वास्तव में क्या है, बहुत से इस्लामी विद्वान मेराज के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन कोई भी आदमी सातवें आसमान से ऊपर नहीं गया। लेकिन आप लोगों को पता है कि सात लोक जो हैं क्षर संसार यानी कि ला के अंदर हैं, और इससे आगे जो भी है वो अखंड है, और इससे नीचे जो भी है वो सब नाशवान है। अब जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि भाई मस्जिद तो बना लिया, अब उसके मीनारे के ऊपर, आजकल तो लाउड स्पीकर लगा जाते हैं, पुराने ज़माने में मीनार के ऊपर मुल्ला जी कान में दो उंगली डालकर और ज़ोर से आवाज़ लगाता था अल्लाह हो अकबर, यानी कि ईश्वर महान है, और फिर उसके बाद कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, के कहो कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई उपासना के लायक नहीं। फिर उसके बाद आगे कहता था अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह, कहो कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं, यानी कि उसके दूत हैं। अब इसमें भी विवाद है, कुरान के अंदर ये दोनों आयतें एक साथ नहीं हैं। अब जो नया धर्म निकला है वहाबी पंथ, दुबई में आप चले जाएं तो वहाँ पे जो अजान दी जाती है अल्लाहु अकबर, उसके बाद ला इलाहा इल्लिल्लाह, बस वो कहते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह भी नहीं कहते, वो कहते कुरान में लिखा ही नहीं है, क्योंकि कुरान में कहीं भी ये इकट्ठा नहीं लिखा हुआ है। अब शियाओं के यहाँ जो अजान होती है उसके अंदर कहा जाता है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामल मुत्तकीना, इमामल मुत्तकीना व अली युवन बलीउल्ला व खलीफतोहू बिला फसल, के मोहम्मद साहब के कथनों के अनुसार अली उनके वारिस हैं और इमाम मुत्तकी हैं। इमाम के मतलब होते हैं धर्मगुरु के, और मुत्तकी का मतलब होता है परहेजगार या संयमी के संयमियों के जो धर्मगुरु हैं, जो उनके रास्ते पर चलाने वाले हैं वो अली हैं। तो अली को पहला इमाम कहा और मेहदी को बारह कहे, बारहवां इमाम कहा। अब बारह इमाम जो थे उसके अंदर वास्तव में विवाद हुआ कि छठे इमाम तक तो सही चलता रहा, अली हुए, अली के बाद हसन हुए, हसन के बाद हुसैन हुए, हुसैन के बाद जैनुल आबदीन हुए, जैनुल आबदीन के बाद इमाम बाकर हुए, और इमाम बाकर के बाद इमाम जाफ़र हुए। यहाँ तक तो सब सही था। अब इमाम जाफ़र ने अपने बड़े बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से 21 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उत्तराधिकारी पहले मर जाए और बाप अभी जिंदा है तो उसके सामने समस्या हुई, तो उसने अपने दूसरे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जो मूसा थे। यहाँ से विवाद हुआ, तो शियाओं के अंदर उस समय ना शिया थे ना सुन्नी थे, सब एक ही धर्म के मानने वाले थे, तो एक धर्म के अंदर दो ग्रुप बन गए। एक अशनासरी कहलाने लगे, यानी कि बारह को मानने वाले, जैसे कल बताया था ना अरफा के मायने दस होते हैं, तो अशरा के मायने बारह होते हैं, अरबी में बारह कहते हैं अशरा को, तो अशरा के मायने बारह हैं, तो अशना अशरी कहते हैं बारह इमामों को। तो एक लोग कहने लगे जो अशना अशरी थे वो बारहवें इमाम को मानते हैं, बारह इमामों को मानते हैं, वो छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक के बाद मूसा काजिम, अली नकी, अली तकी, और उसके बाद हसन लश्करी, और उसके बाद आखिर में इमाम मेहदी को मानते हैं, तो ये असनाशरी कहे जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप था वो छह इमामों वाले कहलाने लगे, वो अपने आप को इस्माइली कहलाने लगे, जो
उधर गुजरात में होते ना ये बोहरे, तो बोहरे जो हैं इस्माइलियों में से निकले। इस्माइलियों के अंदर दो ग्रुप बने, एक बोहरा बना एक खोजा बना। बोहरे के अंदर फिर दो ग्रुप बन गए, एक दाऊदी बोहरा कहलाए और एक असगरी बोहरा कहलाए। और अब दाऊदी बोहरा के अंदर भी दो ग्रुप बन गए। अभी पिछले दिनों अभी केट जो है इनका कोर्ट केस चल रहा है, जो लास्ट के अभी धर्मगुरु थे उनका देहांत हुआ है बुरहानुद्दीन बोहरा का। तो अब उनके दो दावेदार खड़े हैं, उनका बेटा भी खड़ा है उनका भतीजा भी खड़ा है। तो वो दोनों कोर्ट में लड़ रहे हैं कि भाई हम दावेदार हैं। तो ये बोहरों में से चले। उसके बाद खोजे जो हैं ये इधर जामनगर की तरफ जो हैं वो खोजे लोग ज़्यादा हैं। तो उनके जो इमाम हैं वो इमाम वो हैं जो आजकल फ्रांस में रहते हैं, जिसको प्रिंस आगा खान कहते हैं। तो इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत काम किए। तो ये तो ये शियाओं में बने। दूसरी तरफ सुन्नियों में चार इमाम हो गए, इमाम आज़म हो गया, इमाम हम्बल हो गया, इमाम साफ़ी हो गया, इमाम जो है मालिक हो गया। तो पहला जो इमाम था, जैसे आपने चौपाई में सुना होगा ना, इमाम आज़म यों करी लकब, या इमाम आज़म से आई नकल। तो इमाम आज़म किसको कहा जाता है? आज़म के मायने होते हैं बड़े के, यानी कि बुलंद, जिसको बड़ा कहा जाता है उसको आज़म है। तो इसका नाम क्या था? अबू हनीफा इसका लकब था, इसका नाम नोमान था। तो उसने भी तालीम ली इमाम अबू बाकर से, तो बाकर से उसने भी तालीम ली और जाफ़र ने भी ली। तो दोनों के दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। आज शिया और सुन्नी में विवाद है। वो कहते हैं, सुन्नी कहते हैं कि हम सही हैं, शिया कहते हैं हम सही हैं। अब दोनों ने शिक्षा एक से ही ली है, उसके बावजूद कहते हैं कि वो कहता मैं सही हूँ, वो कहता मैं सही हूँ। तो दोनों के दोनों ही विवाद में पड़े हैं और वास्तविकता से कोसों दूर हैं। उसके बाद इमाम मालिक आए। जैसे आपने चौपाई में एक पढ़ा होगा ना कि दूसरे इमाम से आई नकल, तो दूसरा इमाम क्या है? या एक चौपाई आती है इमाम सालवी यों कहे, स्वरूप साहब में चौपाई आती है ना, इमाम सालवी यों कहे। सालवी के मायने क्या होते हैं? दूसरा, कि दूसरा इमाम कौन? इमाम मालिक, उसने नकल किया। इमाम साफ़ी, इमाम हम्बली। तो ये चार इमाम हैं। अब ये चार इमामों में से तीन इमाम इस बात पे इत्तफाक रखते हैं कि नमाज हाथ बांध के पढ़ी जाए। अब जो नया वहाबी निकला है वो कहते हैं कि नहीं, रिवायत कहती है कि हाथ यहाँ सीने पे बांधे जाए। पहले मुसलमान नाभि के ऊपर हाथ बांधते थे, जो सुन्नी मुसलमान थे, और शिया मुसलमान हाथ खोल के पढ़ते हैं। तो दोनों में झगड़ा था। तो अब नया विवाद खड़ा हो गया कि जो एक नया ग्रुप निकला है वहाबी, वो कहते हैं कि सीने पे हाथ बांधे जाए। तो वास्तव में सीने पे जो हाथ बांधने के लिए कहा है वो महिलाओं के लिए कहा है कि महिलाएं जब नमाज पढ़ें तो इस तरह से नमाज पढ़ें कि दूसरे को उनके शरीर की बनावट का पता ना लगे। पहली बात तो अपने आप को लबादे में ढकें, यानी कि एक चादर ढक लें, और उस चादर के अंदर इस तरह से नमाज पढ़ें कि पीछे वाले या आगे वाले या दाएं बाएं वाले को ये एहसास ना हो कि इस महिला का शरीर का हिस्सा कौन सा कहाँ पे है। क्योंकि जब लबादा होता है ना, चादर होती है, तो चादर के अंदर शरीर दिखाई नहीं देता। लेकिन आजकल मुसलमानों में नवा रिवाज चला है, वो कहते हैं कि भाई कुरान तो चादर का कहता है। अब नए मुसलमान जितने भी थे या मुल्लाओं ने क्या उसको बना दिया, उन्होंने बुर्का बना दिया। अब चादर का मतलब होता है कि महिलाओं के शरीर की बनावट का एहसास किसी को ना हो। तो अब उन्होंने बुर्का बनाया, और बुर्के में भी आजकल तो ऐसी ऐसी फिटिंग के बुर्के हैं कि उससे जो है सूट की या कपड़े की फिटिंग से भी ज़्यादा टाइट बुर्के की फिटिंग होती है। तो वहाँ तो जब पर्दे का मतलब ही ख़त्म हो गया तो फिर बुर्का पहनने की ज़रूरत क्या है भाई। बुर्के का मतलब ये थोड़े ही मुंह ढक लिया और खूब टाइट बुर्का ऐसा पहना कि उसमें पूरा शरीर और पूरे शरीर की गोलाई लंबाई चौड़ाई उसमें दूर से ही दिखाई देती है। तो ये स्थिति है। तो पर्दे का मतलब होता है आँखों का पर्दा, कि इंसान आँख के पर्दे से काम ले,
और तकवा करे यानी कि संयम करे। ऐसे पढ़ देगा थोड़ा ही है कि भाई तुमने चादर का मतलब तो बुरका निकाला और बुरका भी ऐसी टाइट फिटिंग का बनाया कि उससे जो है ये पता नहीं चलता कि ये बुरका पहना है कि सूट पहना है। तो ये स्थिति है, किसी भी चीज़ की वास्तविकता न जानने के कारण ही संसार आपस में विवादग्रस्त रहता है। इसीलिए आज मुसलमानों को संशय की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने एक बाह्य वेशभूषा को ही अपना धर्म मान लिया है। धर्म और वेशभूषा दोनों अलग चीज़ें हैं। अब ये जो वेशभूषा चल रही है, ये वेशभूषा कहाँ से शुरू हुई? ये इब्राहिम पैगंबर से शुरू हुई। अब कुरान में भी लिखा है और स्वरूप साहब में भी चौपाई आती है कि भाई इब्राहिम पैगंबर को लानत लिखी, उसको मुसलमानों ने क्या समझा, अपनाई कर मुसलमानी। उन्होंने समझा कि जो इब्राहिम पैगंबर को जो लानत लगी थी वो लानत ही सच्ची मुसलमानी है। कि सच्चा मुसलमान कौन है? जो दाढ़ी इतनी लंबी रखे, कुर्ता घुटनों से नीचे हो, पजामा टखनों से ऊपर हो और औरतों में बुर्का पहना हो, शरीर ढका हो, चेहरा ढका हो और यहाँ तक के नाखून पे नाखून पॉलिश ना लगाया जाए, चेहरे पे पाउडर ना लगाया जाए, क्रीम ना लगाया जाए और होठों पे लिपस्टिक ना लगाया जाए। और उसके बाद अगर ये काम किए जाते हैं तो वो इस्लाम से खारिज माना जाता है। अब ज़्यादातर मौलवियों के पास फतवे क्या आते हैं कि भाई एक औरत ने नाखून पॉलिश लगाई हुई थी तो उसकी नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी? अब 16वें पारे सूरह मरियम के दूसरे रुकू में कहा है कि मुसलमानों की नमाजें कबूल नहीं होंगी। तो अब एक ने पढ़ा, उसने मौलाना से पूछा कि मौलाना ये बताइए कि जो नमाज कबूल नहीं करने का लिखा है तो वो किसके नहीं होगी? अब मौलाना ने अपनी नूरानी दाढ़ी को हिलाया और कहते हैं कि भाई नाखून के नीचे क्योंकि पानी नहीं पहुँचता इसलिए औरतों की नमाज जो है कजा हो गई यानी कि ख़राब हो गई। और मुसलमानों ने पूछा कि भाई आदमियों की नमाज कैसे होगी? कहते हैं अगर बाज़ार में जा रहे हैं या घर में जा रहे हैं या कहीं गंदे पानी का छींटा कपड़े पे लग गया तो वो नमाज भी कजा हो गई। तो जबकि वास्तव में नमाज क्या है, वो है कुरान जिसको कहता है कि शराबुन तहूरा का मतलब होता है पवित्रता, कि हम उस पवित्रता की मस्ती में डूब जाएं, राज्य के उस नूर में इस रूप में हम डूब जाएं, जब हमें उसका साक्षात्कार होने लगे, उस राज्य का जो नूरी स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो या उसका आभास होने लगे तो इसको कहते हैं कि ये नमाजन तहूरा है, ये कबूल होती है। कि जब अब इसी के बारे में लालदास जी में और शेखुल इस्लाम में विवाद था। अब उन्होंने कहा कि शेख इस्लाम कहता है कि भाई लालदास जी हम आपकी बात मानते हैं, कुरान आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन 8 महीने हो गए आपको हमारे पास रहते हुए, हमने आपको एक दिन भी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। क्या कहता है कि हमने एक दिन भी आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा तो हम कैसे माने कि भाई तुम मोमिन हो? क्योंकि हम तो उसी को मोमिन मानते हैं जो 5 टाइम नमाज पढ़े। अब उसमें भी विवाद है, जो सुन्नी मुसलमान हैं वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। तो वो 5 टाइम कौन से होते हैं? पहला होता है फजर, फजर का मतलब होता है सूर्योदय से पूर्व, प्रातःकाल जिसको कहते हैं। दूसरी होती है जोहर, जोहर का मतलब होता है मध्याह्न यानी कि दोपहर, जब सूरज सिर पे होता है। तीसरी होती है असर यानी कि 4:30 बजे। चौथी होती है मगरिब यानी कि संध्या के समय। और पांचवी होती है ईसा यानी कि रात को। तो ये 5 टाइम की तो सुन्नी पढ़ते हैं। और शिया जो हैं वो फजर की नमाज 1 पढ़ते हैं, दोपहर में क्योंकि काम में व्यस्त रहते हैं इसलिए जोहर की और असर की इकट्ठी पढ़ लेते हैं। शाम को जब काम से घर आते हैं तो मगरिब और ईशा की इकट्ठी पढ़ लेते हैं। तो कितनी हो गई, वो कितनी बार पढ़ते हैं? 3 बार। तो सुन्नी मुसलमान 5 बार पढ़ता है, शिया 3 बार पढ़ता है। पढ़ता वो भी 5 है लेकिन वो 2 नमाजों को जबल करके पढ़ लेता है। तो उस बात पे झगड़ा हो जाता है कि भाई तुम तो काफिर हो, तुम 3 टाइम पढ़ते हो, 5 टाइम क्यों नहीं पढ़ते? तो वास्तव में कुरान की हकीकत न जानने की वजह से ही आपस में विवाद है।
प्राणनाथ जी ने लोगों को जो कुरान का संदेश दिया तो उन्होंने इस सरल भाषा में उसको व्यक्त किया कि कोई भी इंसान ये ना कहे कि मुझे इसका इल्म नहीं था। प्राणनाथ जी ने किसी को ये नहीं कहा है कि भाई सबको ज़बरदस्ती तुम जो है मोमिन बना के, उन्होंने कहा है कि तुम सारा काम, कुरान भी कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ संदेश देना है, मानना ना मानना उसका उत्तरदायित्व है, क्योंकि आपका काम सिर्फ संदेश पहुंचाना है कि रोजे महशर को कोई राज्य के सामने ये ना कहे कि भाई आपके मोमिन तो हमारे सामने थे लेकिन उन्होंने तो हमें बताया ही नहीं। तो ये सिर्फ हमारा उत्तरदायित्व सिर्फ इतना है कि लोगों को संदेश देना, मनवाना हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसको तभी पूर्ण किया जा सकता है अगर हम अपने प्रयास सच्चे दिल से करें और वास्तव में ज्ञान के वास्तविक अर्थ को जानें और शब्दों को पहचानें।